इतना इन्फ्लेशन है दुबई में जॉब का, क्या करूं मैं, सारी डस्ट मेरे भी आती है ना इसलिए। हाँ जनाब इसकी बातें पकड़ ले आप, ये मैं आपको बता रहा हूँ ये अच्छी लड़की नहीं है। मैं अच्छी हूँ ना, नहीं हूँ अच्छी जनाब, इसकी मासूमियत पे मत जाएं। क्या सोचा था, क्या हो गया, जिंदगी पूरी बर्बाद हो गया। आप नहीं नहाते हो? नहीं। गंदे लोग। हम में जरा कम लेवल है, 10-15 से भी ऊपर इसके बॉयफ्रेंड रहे हैं, लेकिन इसको ये नहीं पता दुबई में करना क्या है। नहीं नहीं नहीं, 10-15 से ज्यादा नहीं है। इनोसेंट और छोटी बच्ची, यही चाहिए। बोलो कुछ छुपते हो, मुझे नहीं आ रहा है दिमाग पे। कुछ दिमाग में नहीं आ रहा तुम्हारे? हाँ आज हम मिलने आए ना तो। और बताओ कैसा लगा दुबई? अच्छा नहीं है, काम करो काम करो, थक गई हूँ मैं, थक गई। तो दुबई आई क्यों? सोचा था आके एंजॉय करूँगी, क्या सोचा था, क्या हो गया, जिंदगी पूरी बर्बाद हो गया। जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई क्यों? सुबह उठो, नहाओ, काम पे जाओ, ऑल डे काम करो। एक मिनट, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम सुबह उठ के रोज नहाती हो? हाँ, इतना गर्मी है इधर। गर्मी है इधर। ओह सॉरी, भूल गया था, तुम लड़की हो, लड़कियों में थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है। यस हाँ। तो नहाती हूँ, आप नहीं नहाते हो? नहीं। गंदे लोग। गंदे क्या, इसमें नहाना पड़ता है ना, एटलीस्ट आप साफ तो रहते हो। बंदा वो काम ही ना करे जिसकी वजह से नहाना पड़ता है। क्यों बंदा वो काम ही करना पड़ता है नहाने के लिए? हाँ। हम तो एवरीडे नहाते हैं। ये लोग एवरीडे नहाते हैं, इनमें गर्मी ज्यादा है। हाँ। हम में जरा कम लेवल है। इतनी गुजार चुके हैं हम गुसल खाने में, अब इतनी मयसर नहीं उस खाने में। का मीनिंग ही समझ में नहीं आता मुझे तो। उनको समझ में आएगा अभी। क्या है बताना मुझे भी, कमेंट करके बताना। हाँ मैं देखूंगी सबके कमेंट, ईच एंड एवरीवन, ऐसे ऐसे कर। गहरी बात, नो बकवास। कैसी जॉब है तुम्हारी, क्या लाइफ है दुबई में, पता क्या नहीं है। एक्सपेक्ट करके आई थी तुम दुबई में? मेरा एक्सपेक्टेशन था आऊंगी इधर इवेंट कंपनी में, इवेंट प्लानर के काम करूंगी, 9 to 5 काम हो जाएगा, तो उसके बाद एंजॉय हो जाएगा। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में तो 9 to 5 काम होता ही नहीं है। हाँ ना, इवेंट ही 9 बजे के बाद स्टार्ट होता है। हाँ मेरा वही एक्सपेक्टेशन गलत निकला। मतलब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा कोई गोल नहीं है? गोल तो है। क्या है? मुझे एक अच्छी इवेंट प्लानर बनना है और इवेंट करना है, गोल तो है ऑब्वियसली, पर वो गोल इधर जा रहा है, मैं इधर जा रही हूँ, दोनों का ब्रेकअप हो गया है। हम दोनों अलग अलग रास्ते में चलने शुरू हो गए, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ये इवेंट प्लानिंग इधर करने आई थी दुबई में, जहाँ पे एक दिन में 200 इवेंट्स होते हैं, और इसका ब्रेकअप हो गया इवेंट से और इससे। दुबई में ना सबसे ज्यादा लोगों का यही मसला है, पता ही नहीं है करना क्या, सोच के कुछ आते हैं करते कुछ है। यहाँ पे लोग सोच के आते हैं लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन उनको सेट होते होते सालों लग जाते हैं। एंड पे आके लोग पता क्या कहते हैं, दुबई तो रगड़ा लगाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, काउंसलिंग, आपकी लाइफ के डिसीजंस, ये सारी चीजें मैटर करती है। तुम जब आई दुबई में, किसी ने कुछ तुम्हें बताया नहीं कि कैसे करते हैं चीजें? नहीं, ये देखो इसको किसी ने कुछ नहीं बताया, मैं अपने रिसर्च पे आई थी। और इससे इसके बॉयफ्रेंड पूछ रहे हो दुबई में कितने थे, 10-15 का नंबर लगा चुकी है? नहीं ज्यादा। नो, 10-15 से भी ऊपर इसके बॉयफ्रेंड रहे हैं, लेकिन इसको ये नहीं पता दुबई में करना क्या है। नहीं नहीं नहीं, 10-15 से ज्यादा नहीं है, काम है काम है।
कितना अरसा हो गया दुबई में? एक साल. एक साल में 10 बॉयफ्रेंड, एक महीने में एक बॉयफ्रेंड. सैलरी तो मिल रही है बॉयफ्रेंड से, इसको क्या चाहिए? आप क्यों काम कर रही हो? आप लोगों को लगता है मैं ऐसी हूँ? मैं इतना इनोशिन, इतना छोटी बच्ची हूँ, नहीं है. ये गलत बात बोल रहा है, नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड. इनोसेंट और छोटी बच्ची, यही चाहिए. आप कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि आपकी चॉइस क्या है. आपने देखा होगा पिछली वीडियो में ये खुद बोल रही थी आई एम सिंगल, और आज ये खुद बोल रही है कि 10-15 बॉयफ्रेंड, दैट्स इट, 10-15. नहीं है, आई एम स्टिल सिंगल गाइस, नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड. ये झूठा बोल रहा है. इसी जैसी लड़कियों की वजह से ना दुबई में लोग काम नहीं कर पाते. तो मैं क्या कर रही हूँ काम नहीं करके? तुम लड़कों को बहकाती हो. नहीं, किसको बहकाया मैंने? कैमरामैन को. नहीं नहीं बहकाया. बेचारा फूल लेके तुम्हारे लिए घूमता रहा. कहा? मैंने नहीं देखा. वैलेंटाइन डे के ऊपर इसने मुझे कुछ भी नहीं बोला. वो तो उसकी गलती है ना, उसने हाँ. कुछ नहीं बोला, बच्चा शरीफ है. इस जैसे लड़के, तुम जैसी लड़कियां लड़के सेट करती हो और उनकी लाइफ बर्बाद करती हो. ये रियलिटी है दुबई की और तुम जैसी लड़कियों. कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है. अच्छा बताओ, छोड़ो ये बात, ये बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा. बॉयफ्रेंड को बात को रखो साइड पे. तो बताओ और क्या कर रहे हो लाइफ पे? कब जाना है ड्यूटी पे? नहीं है आज, आज ऑफ है. वाओ, तुम्हारा तो इतना अच्छा ड्यूटी है. जब सैलरी मिलेगा तो ड्यूटी अच्छा होगा. नहीं मिलता? हाँ, हमें तो मिलता है. तो फिर इसीलिए इसके बॉयफ्रेंड है. हम लोग सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं, रात को निकलते हैं, सुबह आते हैं. सर्चिंग ऑफ जॉब. अच्छा, इतना इन्फ्लेशन है दुबई में जॉब का. तो हम भी सुबह काम में जाते हैं, इवनिंग में काम फिनिश करके आते हैं. बॉयफ्रेंड नहीं है. हम सुबह 9 बजे जाते हैं ऑफिस और आते हैं 5 में ऑफ होता है, 5 के बाद आते हैं. तो तुम जैसे फ्रेंड के साथ मिलते हैं, चाय पीते हैं तो 7 बज जाता है. अभी तक इसने चाय पूछी नहीं है. ये हमारा बात खत्म होने दो ना, उसके बाद पूछती हूँ. अच्छा, हाँ तो अच्छा. हाँ, चाय पीते पीते हम बात नहीं कर सकते? नहीं. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चाय इतनी अच्छी है, तुम्हारी बात से ज्यादा चाय अच्छी लगता है, तो बोलना भूल जाते हैं ना. ईस्ट एंड वेस्ट, चाय इज द बेस्ट. तो तुमसे बात करने के ज्यादा तो चाय में अच्छा होता है. वैसे दुबई का मौसम अच्छा था आज. कल बारिश हुआ था, इतना अच्छा वाला. तो आज भी हो रहा था सुबह में? नहीं, सुबह में अच्छा वाला नहीं हुआ था, कल रात अच्छा वाला हुआ था. तुम रात को बाहर थी? नहीं, मेरे विंडो से देख रही थी बारिश को. जनाब इसकी बातें पकड़ ले आप, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अच्छी लड़की नहीं है. मैं अच्छी हूँ ना? नहीं हूँ अच्छी. जनाब इसकी मासूमियत पे मत जाएं. नहीं, ये बेइज्जती है आपको. नहीं, मैं इनोसेंट लड़की हूँ, ये मुझे फंसा रहा है. जनाब आप चेक कर ले मैं कैसा हूँ, ये कैसी है. ये मैं नहाता भी नहीं हूँ रोज. नहाते हैं लोग साफ होने के लिए. तो मैं कोई गलत काम करता नहीं हूँ. गलत काम करना नहीं पड़ता है, डस्ट पड़ती नहीं है मेरे पे, पसीना मुझे आता नहीं है, क्या करूँ मैं? सारी डस्ट मेरे पे आती है ना इसलिए. हाँ, और पसीने भी मुझे आती है. हाँ, तो मुझे तो नहाना पड़ेगा. गंदी नहीं हो सकती ना मैं. हाँ, गंदी नहीं हो सकती मैं.